वीडियो अब करेंगे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इनका मतलब समझेंगे, मीनिंग। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल से दोनों का डिफरेंस बताता हूं, जैसे ये ए बी और सी, अगर हमने इसमें से दो जनों को अरेंज करना है और दो जनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, अरेंज करना है तो परमुटेशन। पहले आप अरेंजमेंट में देखो, ए और बी, बी और ए, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट माने जाते हैं। जैसे सी ए और ए सी अलग नहीं है, और जब सी ए बन जाएंगे तो आप खुद लेंगे एम ए सी, सी एस बन जाएंगे तो मैं एस सी, ऐसे तो नहीं। सी एस और एस सी एक बात थोड़ी है, सी ए और ए सी एक बात थोड़ी है, सी एम ए और ए एम सी एक बात थोड़ी है, अलग अलग है। अरेंजमेंट में उल्टा सीधा अलग अलग होता है, क्या होता है। इसी तरह अगर आप ए सी सिलेक्ट करेंगे और सी ए सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है, बी सी सिलेक्ट करेंगे सी बी सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है। तो कुल कितने सिलेक्शंस अरेंजमेंट्स बनते हैं, छह अरेंजमेंट्स। पर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें चाहे ए बी हो चाहे बी हो ए हो, ये एक ही बात होती है, उल्टा सीधा एक समान। मैं कहूं आपसे ए और बी को मैं घुमाने ले गया, और अगले दिन बोला मैंने नहीं नहीं मैं बी और ए को घुमाने ले गया था, तो क्या दोनों बातों में फर्क है? नहीं। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जब उल्टा सीधा एक समान हो तो वो सिलेक्शन होता है। इसी तरह ए सी और सी ए, यहां पर एक ही बात हो, बी सी और सी बी एक ही बात हो। तो अगर हम बोले कि तीन बंदे हैं ए बी सी, इसमें से इनमें से हम कितने प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा छह प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, छह। अब मैं को सिलेक्ट कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा तीन प्रकार से। जब सिलेक्शन की बात होगी तो आंसर होगा तीन, जब अरेंजमेंट की बात होगी तो आंसर होगा छह। इसलिए इनके फॉर्मूले भी अलग हैं। इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर, ऐसे लिख दो, या पी ब्रैकेट में एन आर, एक ही बात। एनपीआर का मतलब होता है एन में से आर आइटम्स कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे इस सवाल के अंदर देखा जाए तो ये 3P2 हो गया। अब ये जो NPR होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है, ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी ऊपर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या होता है कि आप नंबर को मल्टीप्लाई करते रहोगे जब तक 1 नहीं आए। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। तो देखिए आंसर क्या आया, 6। और बेटे गौर करिए, हमने जब एक्चुअली में चेक किया था तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 6। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सब मैंने आपको बताया किसके बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। सिलेक्शन का फॉर्मूला थोड़ा फर्क होता है, वो होता है एन सी आर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी ब्रैकेट में एन कॉमा आर। एन सी आर का मतलब होता है एन में से आर आइटम्स कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 3C2। अब मैं आपको बता दूं, जो एन सी आर होता है मेरे बेटे, उसका एक्सपेंशन होता है ऊपर में एन फैक्टोरियल, नीचे में आर फैक्टोरियल, और साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जो 3C2 का आंसर होगा, ऊपर में 3 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल, और साथ में 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। अब बेटे आप देखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 3। और मेरे बच्चों, हमने चेक भी किया था अपने लॉजिक से, तो भी आंसर क्या आया था, 3।
तो बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, कई बार उनको क्लियर नहीं हो पाता परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है। आप ये देखिए क्या आपको क्लियर हो पाया है। तो परमुटेशन कब लगेगा? जब अरेंजमेंट। मेरा हिंदी का डायलॉग क्या है? जब उल्टा सीधा एक समान ना हो। और कॉम्बिनेशन कब लगेगा? जब सिलेक्शन। हिंदी का डायलॉग क्या है? उल्टा सीधा एक समान। नहीं बात समझ में? तो ये लगता है उल्टा सीधा एक समान, और ये लगता है उल्टा सीधा एक समान ना हो, जय हो ना हो। बस कैसा लगा आपको लॉजिक? अच्छा लगा? एक एक चीज डिटेल में समझा दी। परमुटेशन मतलब उल्टा सीधा एक समान ना हो। परमुटेशन का फॉर्मूला NPR, NPR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन कब लगेगा? उल्टा सीधा एक समान, फॉर्मूला NCR, NCR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और अपॉन में ही n माइनस r फैक्टोरियल। सदा ध्यान दें परमुटेशन का आंसर कॉम्बिनेशन से बड़ा होगा। कैसा लगा? कॉपी कर। आइए बेटा अब बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर हमें तीन में से दो आदमी अरेंज करने हैं तो ये परमुटेशन का केस है। परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक बार फिर देखें आप, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NCR, NPR या PN, R। इसका मतलब होता है N में से R आइटम्स कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की चर्चा करेंगे। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट 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 3, 2, 1। ये रुकता है 1 पे जाकर। इसी तरह अगर n फैक्टोरियल हो, कॉमन सेंस लगाइए, वो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, कहां जाके रुकेगा? 1। सदा ध्यान देखिए 1 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1, और 0 फैक्टोरियल भी होता है 1। दूसरा, n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम। तीसरी बात, जैसे कोई 6 फैक्टोरियल है तो आप उसको यूं लिख सकते हो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आगे की चेन लिखी नहीं, उसकी जगह फैक्टोरियल लिखी है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 6 × 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। जहां तक लिखना चाहो इंटू कर लो, आगे ना लिखना चाहो तो फैक्टोरियल लिख लो। किसी ने कुछ लिखना हो? क्लियर? Yes, देख लें। अभी हट जाएगा, जो बातें मैंने समझाई है सब प्रिंटेड आ गई। एन का मतलब टोटल अवेलेबल आइटम्स, आर का मतलब जितनी हमने अरेंज कर ली। अब अगर हम इस क्वेश्चन को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 3P2, तीन में से दो अरेंज करने, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 − 2 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 अपॉन 1 यानी 6 बेस। क्लियर? वही आगे क्वेश्चन, बार बार देखो, हजार बार देखो। एक ही क्वेश्चन मैंने कितनी बार दिखा दिया है कि आपको याद हो गया। इन हाउ मेनी वेज 2 people out of 3 कैन बी अरेंज? 3P2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी 6। वेरीफाई भी करा देता हूं।
पहले भी कराया हुआ है, सिक्स पहला प्रकार हो गया ए बी, फिर उसको उल्टा कर दो बी ए, दूसरा प्रकार हो गया ए सी, फिर उसको उल्टा कर दो सी ए, तीसरा प्रकार हो गया बी सी, फिर उसको उल्टा कर दो सी ए। ए बी सी में से निकालने हैं आपने ए बी सी, पहले आप ए बी ले लो पर इसके दो प्रकार हो जाएंगे ए बी बी ए, फिर ए सी ले लो इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे ए सी सी ए, फिर बी सी ले लो इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे बी सी सी ए। काउंट कर लो छह आंसर आ गए। फॉर्मूले से कर लो थ्री पी टू, थ्री फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स। क्लियर है कि नहीं? अब दो क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है इन हाउ मेनी वेज फाइव पर्संस बी सीटेड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। पांच बंदों को अगर ग्रुप फोटोग्राफ में बिठाना है तो आंसर क्या होगा? फाइव पी फाइव। पांच में से रेंज कितने करने हैं? पांच। ये क्या हो जाएगा? पांच फैक्टोरियल। नीचे क्या हो जाएगा? पांच माइनस पांच जीरो फैक्टोरियल। ऊपर हो जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, नीचे जीरो फैक्टोरियल मतलब वन। आंसर हो गया 120 वेज। कोई डाउट? अगले में कहता है कि 5% को आउट ऑफ 7 करना है, तो इसलिए इसका अरेंज करना है। फोटोग्राफ में जब भी क्वेश्चन हो तो अरेंजमेंट होता है। फोटोग्राफर नहीं कहता भाई साहब ऐसे से बैठ जाइए, अच्छा आप लंबे वैसे आप पीछे चले जाइए, आप आगे आ जाइए बेटा, अच्छा आप इधर हो जाइए, तो अरेंजमेंट करता है ना। उसमें संदीप खड़ा वो उदास रहता है, नहीं नहीं मैं तो दोस्त के साथ कराऊंगा, अपने आप ने मुझे अलग कर दिया। अरेंजमेंट की क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है। तो अरेंजमेंट में उल्टा सीधा है, एक समान नहीं होता। तो जब एक समान ना हो तो आपने क्या करना है, क्या करना है? अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाना। सात में से पांच लोगों को हमने अरेंज करना है, तो ऊपर सेवन फैक्टोरियल, नीचे टू फैक्टोरियल। टू कैसे आया? सेवन माइनस फाइव क्या होता है? टू। अगर आपको टाइम खराब करना है फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा? टाइम ही तो खराब होगा, नहीं समझे? पूरा लिखिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर तो हमारा है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये कैसे होगा एक्सपेंड? सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, नीचे वाला टू फैक्टोरियल, आपस में कट गया, क्या बचा? देखिए क्या आता आंसर, 500। बेटे इस तरह से गंदी गंदी बातें मत करिए, सही से बताइए 2520। चेक कर लो एक बारी, क्लियर? श्योर? लिखना है कुछ? लिख लिया? देख लीजिए किसी भी लिख लो, लिख लीजिए, हटा दें। ये सारा टाइप भी आ गया आपके लिए, कैसे आ रहा स्टाइल देखिए आप। अब क्वेश्चन में अगर और आता है तो आप ऐड का चिन्ह लगाएंगे, एंड आता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, समझे? अब इधर देखिए, अवेलेबल है हमारे पास फाइव पीपल। वो कहता है इसमें से टू अरेंज करें या और थ्री अरेंज करें। बीच में और आ गया, और का मतलब प्लस। कह रहा भाई पांच आदमियों से में से बताओ कितने प्रकार से दो लोगों को अरेंज किया जा सकता है या फिर तीन लोगों को। या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और का मतलब क्या होता है? प्लस। अब दो कैसे अरेंज हो सकते हैं? फाइव पी टू। तीन कैसे अरेंज हो सकते हैं? फाइव पी थ्री। ये क्या हो जाएगा? फाइव फैक्टोरियल, नीचे में थ्री फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा? फाइव फैक्टोरियल, नीचे में टू फैक्टोरियल। ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, ये हो गया थ्री फैक्टोरियल। थ्री ने थ्री को काटा, रिपीट, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, और नीचे
तो तूने टू को काटा, इधर तो आ गया पांच चौके बीस, यहाँ आ गया साठ, तो टोटल कितने वेज हो गए? 80 वेज। कैसा लगा जी? और का मतलब एंड, एड प्लस, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फिर मैं एंड का कराऊंगा। देखिए ये है तीन लड़कियां, राइट, ये है तीन लड़के, चलिए चार लड़के, ये है एक टेबल, ये टेबल की है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, ठीक। अब हमें यहां पर दो गर्ल्स को अरेंज करना है, लेफ्ट में बैठेगी लड़की, राइट में नहीं बैठ सकती, और यहां पर तीन बॉयज को अरेंज करना है, ये है बी फॉर बॉयज, ये जी फॉर गर्ल्स। अब ये दोनों काम हमें साथ साथ करने हैं ना, तो अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो ये होगा ना, टू गर्ल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अरेंज ऑन लेफ्ट साइड एंड, एंड आएगा ना इंग्लिश का, दोनों बातें साथ साथ होनी, थ्री बॉयज अरेंज्ड ऑन राइट साइड। बेटे मैं बता दूं, दो लड़कियों को मैं लड़कों में से छांट सकता हूं, लड़कों में से नहीं। तो लड़कियां कितनी अवेलेबल है? शोले पिक्चर देखिए आपने, शोले पिक्चर देखिए, पिक्चर भी देखते हैं, शोले शोले ये शोले देखे, शोले पिक्चर देखिए आपने, कितनी लड़कियां हैं? तीन, और कितनी छांटनी है? दो। छांटनी नहीं है, अरेंज करनी, छांटने के साथ साथ अरेंज भी करना, तो क्या हो जाएगा? थ्री पी टू, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। कितने लड़के हैं? चार, और कितने अरेंज करने? तीन, तो फोर पी थ्री। अब बताओ एंड और, एंड का इसके साथ साथ और का डिफरेंस समझ में आ गया? अब ये क्या हो जाएगा? थ्री फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, तो थ्री फैक्टोरियल तो होता है छह, फोर फैक्टोरियल होता है 24,
देखना मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 144 आता है, देखिए 144 वीज। तो एंड का मतलब दोनों काम साथ साथ करने हैं, रिपीट, एंड का मतलब दोनों काम साथ साथ, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और का मतलब दोनों में से, और का मतलब दोनों में से, और में के प्लस हो जाएगा। याद रहेगा आपको एग्जांपल, फॉर्मूला क्या होता है एनपीआर का, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 3p2 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। कोई डाउट लिख लिया आप लोगों ने, आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कितने प्रकार से 6 में से हम 3 या फिर 4 लोग अरेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 अरेंज और 4 अरेंज, 6 में से 3 6p3 और का मतलब प्लस 6p4, 6p3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल, प्लस 6p4 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। आपको आ रहा है समझ में, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। थ्री ने 3 को काटा, 2 ने 2 को काटा, करो क्या आएगा 120 ये आ गया, प्लस 360 ये आ गया, तो टोटल क्या आ जाएगा 480 रेज। क्लियर, लिख लीजिए।
हो गया। ये टाइप वाला भी आ गया। बार बार देखो, हजार बार, हर आंसर दो दो तरीके से दिखा रहा हूं। अब इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड? कंप्यूटर में कितने लेटर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, जब आपने एनपीएन आइटम्स को अरेंज करना हो तो एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? एन माइनस एन क्या होता है? जीरो। तो ये एन फैक्टोरियल अपॉन वन हो जाएगा, यानी एन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसी प्रकार आठ में से आपने आठ को अरेंज करना है, आंसर आठ फैक्टोरियल हो जाएगा। एक्सपैंड करके लिख दो या सिर्फ आठ फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात। कैसा लगा आपको भव्य? मजा आ रहा है? प्रियांशु क्लियर है? मोहित, चले टाइप दिखा दिया, क्लियर? कोई डाउट? अगला, रिमेन टुगेदर। हम चाहते हैं दो चीजें सदा साथ रहे, पूछिए क्यों? बेटा इच्छा है हमारी, इसमें क्या दिक्कत है? साथ नहीं रह सकते? दो बच्चे साथ बैठना चाहते हैं, रोक सकते हो? तो उस केस में कितने अरेंजमेंट है हमने वो सीखना है। रिमेन टुगेदर इसका गाना है। रिमेन को रिमेन टुगेदर को एक ग्रुप बना दे, पहली बात। फिर एक ग्रुप प्लस बाकी को अरेंज करें, एंड ग्रुप के अंदर अरेंज करें। जिसको आपने साथ रखना है उनको जोड़ दो, बांध दो, एक हो गए। अब वो एक ग्रुप बन गया, बाकी खुले, बाकी खुले, खुले लिखिए, खुले, बाकी खुल्लों को साथ में अरेंज कर दो, फिर ग्रुप के अंदर अरेंज करो। जैसे मैं समझाता हूं, ये पांच बच्चे हैं, ये दोनों कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। क्या? साथ। ये दोनों कह रहे हैं हम तो साथ साथ बैठेंगे। पूछो क्यों? मर्जी है इनकी, मर्जी। अब क्वेश्चन कह रहा है पांच को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो ताकि ये दोनों साथ बैठे। अब सुनो, दो का ग्रुप बना दो, ये एक ग्रुप हो गया, और बाकी खुले कितने? एक, दो, तीन, यानी एक ग्रुप प्लस तीन खुले, टोटल हो गए चार। तो चार को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो? चार फैक्टोरियल। अब ये जो ग्रुप बनाया है, एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ग्रुप बनाया है, ग्रुप के अंदर भी तो इनको अगर आगे पीछे कर दोगे तब भी तो ये साथ ही रहेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? टू फैक्टोरियल। बताओ कैसा लगा संदीप? सही बताओ बेटा, कैसा लगा? कितना अच्छा लगा बेटा? 100%। एक और देखो, आप देखो, इधर देखो, बड़ा प्यारा।
संदीप को बड़ा मजा आ रहा है, देखिए बच्चा एंजॉय कर रहा है लाइफ को। इधर देखिए, अब ये देखिए, अब ये पांच लड़कियां हैं, बच्चे कह रहे लड़कियां टमाटर है, छह करते एक और उड़ा दी, सात लड़कियां हैं। अब इन सात लड़कियों में से ये जो है तीन, ये कह रही है हम तो साथ साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, ठीक है। तो ये तीन लड़कियां कह रही है हम साथ साथ बैठेंगे, तो अब इनको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, आइए फिर से करेंगे। इधर देखिए, मैं बोलूंगा तीन का ग्रुप बना दो, एक ग्रुप हो गया प्लस खुले कितने रह गए, एक दो तीन चार, तो चार फैक्टोरियल हो गया। अब ये जो हमने ग्रुप बनाया तीन का, ये विद इन का ग्रुप तो आगे पीछे हो सकती है तब भी साथ रहेंगी, तो इनटू क्या हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल, तो हो जाएगा आंसर फाइव फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। एक्सपैंड करना तो आपको आता ही है। तो गाना कैसा लगा आपको, रिमेन टूगेदर का एक ग्रुप बना दो, या का लिखना रह गया, रिमेन टूगेदर का एक ग्रुप बना दो, फिर एक ग्रुप प्लस बाकी खुले का फैक्टोरियल एंड विद इन ग्रुप का फैक्टोरियल। रिपीट, समझ आ गया, अरेंज करें मतलब क्या हो, उसका फैक्टोरियल कर देना। कैसा लगा जी, लिख लीजिए। हो गया बेटे, प्रियांशु आनंद आया बेटा, मजा आ रहा है, बड़ा पढ़ने आए, मजे करने आए को सर, मजे के साथ साथ पढ़ने आए, मन शांत रहता। ये बड़े आवाजें क्यों निकालते हैं, तो चेयर की। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैंने आपको याद ही करा दिया, मैंने उसका फॉर्मूला तो बना दिया, फॉर्मूला से अच्छा है कि जो मैंने आपको याद करा दिया वो ज्यादा ठीक है। फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला ये बना दिया कि एम का ग्रुप बना दिया तो खुले कितने रह गए, एन माइनस एम, और एक ग्रुप को अरेंज कर दिया इनटू ग्रुप का फैक्टोरियल, ग्रुप का एक कर देते ना, तो इनमें से ग्रुप हटा के एक जोड़ दो बस, ये समझे। जैसे ये छह लड़कियां हैं, एक और बना लेते हैं, छह लड़कियां टमाटर कितनी हो गई है, छह। अब इसमें से ये दो लड़कियां करी हम साथ बैठेंगे, समझे। अब लॉजिक से करें, एक ग्रुप प्लस चार खुले इनटू जो ग्रुप में है उनका फैक्टोरियल। फॉर्मूले से करना है तो एन हो गए छह और ग्रुप बने दो का, तो ये क्या हो जाएगा, छह माइनस दो प्लस एक इन फैक्टोरियल इनटू दो फैक्टोरियल, तो वही नहीं आ गया फाइव फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल, समझ आया। बाकी मैं बताऊ फॉर्मूले से अच्छा लॉजिक, ग्रुप प्लस बाकी खुले का फैक्टोरियल इनटू ग्रुप की आइटम्स का फैक्टोरियल। आई इन हाउ मेनी वेज
कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड सो दैट पी यू टी आर ऑलवेज टुगेदर. अब पी यू टी का एक ग्रुप बना लो, खुले कितने रह गए, एक दो तीन चार पांच, एक ग्रुप प्लस पांच खुले का फैक्टोरियल और इनटू जो ग्रुप है कितने का है तीन उसका फैक्टोरियल. ग्रुप के अंदर पुट तो आगे पीछे हो सकते हैं. ग्रीश किरवा, एक ग्रुप प्लस पांच खुले का फैक्टोरियल इनटू ग्रुप की आइटम्स का फैक्टोरियल, ग्रुप कितने का बनेगा तीन का, तो विद इन ग्रुप भी तो आगे पीछे हो सकते हैं तीन फैक्टोरियल. कोई डाउट? अडाउट डन. तो ये मैंने आपको प्रिंटेड दिखा दिया. क्लियर? अगला कहता है इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज्ड सच दैट पीयूटी ऑलवेज अपीयर एज पुट. ये पुट रहेगा, ये यूपीटी नहीं हो सकता, टीयूपी नहीं हो सकता, इसलिए पुट ही रहना है. पूछिए क्यों, बोला है क्वेश्चन, इसने पुट नहीं रहना है. तो अब क्या करोगे आप, पुट का तो एक ग्रुप बना दिया, तो एक ग्रुप प्लस खुले कितने, एक दो तीन चार पांच, पांच खुले का फैक्टोरियल इनटू पुट, तो पुट ही रहेगा ना, तो वो वन फैक्टोरियल ही रहेगा ना, अब वो थ्री फैक्टोरियल नहीं करेंगे. पहले थ्री करा था क्योंकि वो पीयूटी आगे पीछे हो सकते थे विद इन ग्रुप, अब पीयूटी आगे पीछे नहीं हो सकते. बताओ क्यों? उसने क्वेश्चन में बोला है कि वो पुट्टी रहेगा, पुट्टी रहेगा, पुट्टी रहेगा. कैसा लगा? तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स फैक्टोरियल. कह रहा पुट हो जाएगा, अबे पुट थोड़ी होगा, सिक्स फैक्टोरियल. मजा आ गया, ये तो क्लियर हुआ. हटा दे. आगे देखिए, ये मैंने प्रिंटेड सॉल्यूशन दे दिया. हटा रहे. अब कंपल्सरी नॉट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, मतलब हम कुछ लोग को सिलेक्ट ही नहीं करना चाहते. पूछो क्यों? हमें पसंद ही नहीं है वो, कुछ लोगों को हम सिलेक्ट करके अरेंजमेंट में रखना नहीं चाहते. जैसे समझो ये छह आदमी है, कितने आदमी है, छह, इसमें से मैंने थ्री अरेंज करने हैं. छह आदमी है, इसमें से मैंने कितने अरेंज करने हैं, थ्री, सच दैट पीलिया आर नॉट इंक्लूडेड. ये
नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आई बात। मतलब छह बंदे हैं, इसमें दो पीली हैं, हमें तीन अरेंज करने हैं इस तरह से कि ये दो पीलिए ना आए, लालिए आ जाए। तो इसका गाना क्या बनेगा? बाकी में से सारे अरेंज करो। सोचो क्यों भाई, पीलिए को नहीं सिलेक्ट करना, तो पीले को उठाओ और बाहर फेंक दो। बच कौन गए? बाकी, बाकी में से अरेंज कर दो। अब बाकी कितने बचे हैं? चार। अरेंज कितने करने? थ्री, तो फोर पी थ्री हो गया। तो पीलियों को उठाया और बाहर फेंक दिया। अब रह गए लालिए, लालिए में से, लालिए में से फोर पी थ्री, लालिए में से तीन अरेंज कर दिए। नहीं बात समझ में? तो गाना क्या हुआ? बाकी में से सारे, गाना क्या हुआ? बाकी में से सारे, लिख लीजिए गाना, बाकी में से सारे। तो क्वेश्चन ये है कि छह बंदे हैं जिसमें चार लाल हैं, तीन दो पीले हैं, हमें तीन अरेंज करने हैं, सच दैट जो पीले हैं वो अरेंजमेंट में ना है। तो हमने बाकी पकड़ ली, बाकी कितने हैं? चार, उसमें से तीन अरेंज कर दिए। तो गाना क्या बना? बाकी में से सारे। यमन आनंद आ रहा बेटा? हटा दे बेटा, आप कंबल ओढ़ के आ जाए। नहीं यार, ठंड लग, गर्मी इतनी हो रही है, पसीने आ रहे हैं आपके। पहन आप पीछे बैठ जाओ, पीछे पहन नहीं चलो ना। चलिए बेटा, ऐसे गर्मी बच्चे देखो, बच्चे को गर्मी लगी क्या फायदा? पीली से नीली। चलिए, क्लियर कोई डाउट? अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है? yes, मैं पूरे गाने वाने लगा के समझा रहा हूं। yes, अब आइए, कहता दस बंदे हैं, कहता इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज फाइव पीपल आउट ऑफ टेन सच दैट टू आर नॉट टुगेदर। तो इसमें से टू को उठा के बाहर फेंक दो। अब बच कितने गए? आठ। आठ में से पांच अरेंज कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा? एट पी फाइव, एट फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल। गाना क्या बना? बाकी में से सारे। आगे बाकी में से सारे टाइप डांसर भी दे दिए, ठीक है। अब इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज नाइन पीपल आउट ऑफ टेन सच दैट सिक्स आर नेवर इक्वल। इस बीस में से छह को निकालो और जाके बाहर फेंक दो। बच कितने गए? चौदह। अरेंज कितने करने? नौ। गाना क्या बनेगा? बाकी में से सारे। 14 पी 9 क्या हो जाएगा? 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। कैसा लगा? ब
बच्चे कहते हैं कि प्रमोटेशन 11th में कराया सर, समझ में नहीं आता, अब कैसा लग रहा? मस्ती से पढ़ो रामलाल, मस्ती में आग लगे बस्ती, दुनिया में कुछ होता रहे, अपना पढ़ाई पे ध्यान। ये सोनिया जी का है। चले नेक्स्ट, ऑलवेज टुगेदर, ये तो करा चुका हूं, ऑलवेज टुगेदर तो करा चुका हूं, क्या कहना था उसका? टुगेदर वालों का एक ग्रुप प्लस बाकी खुले का फैक्टोरियल इनटू ग्रुप का फैक्टोरियल। कहता 10 बंदे हैं, उनको अरेंज करना है इस प्रकार से कि दो बंदे सदा साथ रहे, तो दो का ग्रुप बना दो, तो एक ग्रुप प्लस 8 खुले एक फैक्टोरियल इंटू ग्रुप वालों का फैक्टोरियल, ग्रुप में कितने हैं? 2। लिख लीजिए, दो का एक ग्रुप हो गया और 8 खुले, टोटल कितने हो गए? 9 फैक्टोरियल इंटू जो ग्रुप था उसका 2 फैक्टोरियल। बवे कैसा लगा? चले बिठा दे, इंग्लिश में लिखा हुआ यहां पर, मैं हिंदी में गाने सुना रहा हूं, बस ये फर्क है। चले अगला, नन ऑफ देम आर टुगेदर। हम चाहते हैं कुछ लोग साथ ना बैठे, पूछो क्यों? हमारी मर्जी, लिखिए मत। टोटल 6 बंदे हैं, कितने? 6। इन 6 में से हम चाहते हैं कि ये 2 जो बहुत बातूनी हैं ये साथ ना बैठे। अब इनको हमें कैसे करना है, सुनिए देखिए, इसका गाना है, बाकी को अरेंज करो एंड नॉट टुगेदर वालों को बीच में फंसा दो। समझिए आप, बीच में जो जगह बनेगी उसमें उन्हें सेट कर दो, फंसा दो। अब ये देखो बंदे 6 हैं, कितने बंदे हैं? 6। और ये दोनों साथ नहीं बैठना चाहिए, तो हम पहले बाकी को अरेंज करेंगे। बाकी कितने? 1, 2, 3, 4। बाकी कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, 4p4 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। अब इन 4 के बीच में जगह गिनो कितनी? 4 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, इनके बीच में जगह गिनो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 2 बच्चों को अगर मैं इन 5 जगहों में से किसी भी 2 जगह में बिठा दूंगा तो ये दोनों बच्चे कभी साथ नहीं होंगे, चेक करो। नहीं बात समझ में आई भाई? 4 पहले अरेंज कर लो जैसे तैसे, इनका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर उनके बीच की जगह गिनो, उन बीच की जगहों में जिनको टुगेदर नहीं रहना उनको फंसाना है। अब कितने को टुगेदर नहीं रहना? 2 को। और उनके बैठने की जगहें कितनी बनी है? 5। तो इंटू 5 p2 नहीं हो गया? कैसा लगा? मजा आया? गाना ठीक लगा? बाकी को अरेंज करो एंड नॉट टुगेदर वालों को बीच में फंसा दो। समझ में आया?
फोटो भी अच्छी लग रही है, हो गया बता दें, गाना याद हुआ आपको क्या? बाकी को अरेंज करो एंड नॉट टुगेदर वालों को बीच में फंसा। अब ये देखो, रटना भी सकते हो भाई, अगर इसका रट्टा लगाना फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला ही बना दिया। देखो देखो, एन बनने और एम को साथ नहीं रहना, तो बाकी कितने बचे? एन माइनस एम, इनको अरेंज करो। इनके बीच में एक जगह फालतू आई थी, चार बंदे थे ना, बीच में जगह पांच आई थी, तो इसलिए जगह कितनी बन जाएगी? पहले तो बाकियों को अरेंज कर दिया मैंने, फिर इनके बीच में एक जगह क्या बनेगी फालतू, और उनमें फंसाने कितने हैं मुझको? एम। देखो यही तो करा है, छह था हमारा और दो था, तो बाकी कितने रह गए? चार। चार को अरेंज किया, चार के बीच में जगह क्या आई थी? पांच, और कितने उसके अंदर फंसाने थे? दो। चौदह। फॉर्मूला रख लो, कैसा लगा? बाकी लॉजिक ज्यादा अच्छा, फॉर्मूले तो इतने सारे हो जाएंगे कि पागल हो जाएगा आदमी, सर दीवार में मार देगा कौन सा कब लगा। गलत कह रहा तो बताओ, सही जमन कह रहा, मैंने दो तीन बार मारा हुआ ऐसा दीवार इलेवेंथ में, अब नहीं मारू। तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है ना, इंजॉय करोगे नहीं कर रहे? बोरिंग नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा हो। भले आगे, अब सुनो, दस बंदे हैं और दो ने साथ नहीं बैठना, तो पहले किसको अरेंज करोगे? बाकी को। बाकी कितने हो गए? आठ। आठ फैक्टोरियल हो गया। अब इन आठ के बीच में नौ जगह बनेगी, बने भले गिन लो, एक फालतू बनती है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, जगह कितनी बनी? नौ। बिठाने कितने हैं? दो, तो नाइन पी टू। एक्सपैंड तो आप कर लोगे, तो पहले बाकी अरेंज कर दो, दस में से दो उठा दो, हटा दो, बाकी कितने रहेंगे? आठ। आठ को अरेंज करो, फिर उनके बीच की जगह गिनो, बीच में कितनी जगह आएंगी? एक फालतू, कितनी आएगी? नौ। नौ में दो अरेंज कर दो, क्लियर हुआ? ये मैंने लिख भी दिया। संदीप समझ आ रहा है? हटा दूं? अब दस बंदे हैं, तीन ने साथ नहीं बैठना, तो पहले कितने अरेंज करोगे? बाकी। बाकी कितने? सात। अब इनके बीच में जगह कितनी बनेगी? एक फालतू, आठ, और उन आठ में कितने अरेंज करने? तीन, तो एट पी थ्री। बेटे आपको आया समझ? सिर्फ दो, मजाक नहीं, पक्का इसी कसम खा के बोलो आया? पंद्रह मिनट में चल जाएगा, आया कि नहीं? नहीं आया? कैसे हो राप्ती? सेव रहो, गिन लो, बीच में जगह एक फालतू होगी, एक दो
तीन चार पांच छ सात आठ। तो पहले बाकी अरेंज कर दो, बाकी कितने सात, फिर उनके बीच में जगह कितनी बनेगी आठ, उन आठ में तीन को फंसाना है, तो एट इंटू एट पीस थ्री। कैसा लगा संदीप, मजा आ रहा है ना, बढ़िया हो गया क्लियर।